नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहेदिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में अकलियती फिरकों खुसूसन हिंदू और सिखों के खिलाफ जुर्म ज्यादतियों में इजाफे और सरकारी महकमों के मुलाजमीन के हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची के कचराची यानी कचरा घर बनने की वजूहात के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अकलियती हिंदू और सिखों पर बढ़ती जुल्म ज्यादती से मचा हाहाकार। शाहबाज हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज पर सरकारी मुलाजमीन करते रहे चीखो पुकार। और शहर कायद के कचरा घर बनने पर कराची के बाशिंदों में गम गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि इस रियासती पॉलिसी के सबब पाकिस्तान में अकलियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियों में साल दर साल होशरुबा इजाफा हो रहा है। इंसानियत सोच पहलू यह है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की भारत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी ने अकलियती हिंदू और सिखों का जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम अकलियती फिरकों को मुकम्मल मजहबी आजादी और बराबरी के हकूक देने का कौल दिया था। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादतगाहों मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1940 को लाहौर करारदाद की मंजूरी के दौरान अपने तारीखी खिताब में भारत से अलग नया मुल्क पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था और नामनिहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर अकलियती फिरके को मजहबी आजादी वो बराबरी के हुकूक देने के सब्ज बाग दिखाए थे। लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश पनाही की रियासती पॉलिसी के चलते अकलियती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादती की इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की भारत दुश्मनी की सियासी हिकमत अमली की वजह से अकलियती हिंदुओं को सफाए हस्ती से मिटाने की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। कोई भी तहफ़ात हमें नहीं दिए जा रहे। पहले तो रोड पे हम नहीं घूम सकते थे, फिर ठीक है शहर में नहीं घूम पा रहे थे, अब तो घर में भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। घर में भी अपनी माओं की गोदों से बच्चे छीने जा रहे हैं, आप देख रहे हो, सारे न्यूज़ दिखा रहे हैं। मतलब फिर हम कहाँ जाएं? हम जो बंदी बने बनिए लोग हैं, हम धंधोड़ी बिजनेसमैन लोग हैं, हम कोई और कारोबार या कोई ये वो काम तो नहीं कर दे। अगर वही भी चैन से नहीं कर हमें अपने ये करने देंगे तो जाहिर सी बात है हम माइग्रेट, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे। अकलियती हिंदू कारोबारियों का कहना है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले से सिंध सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद रहे हैं, लेकिन उस सिंध सूबे तक में हिंदू खानदानों के जानो माल अब बिल्कुल गैर महफूज हो चुके हैं। अक्सरियती और बालादस्त तबके के मुसलमान जब चाहें हिंदू बस्तियों पर दिन दहाड़े धावा बोलते हैं और उनकी बहन बेटियों को अगवा बराए जिंसी ज्यादती के जरिए उन्हें जबरन मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अकलियती फिरके के मुतासरा खानदानों की चीखों पुकार पर अदालतें तक कोई तवज्जो नहीं देती। नतीजतन फिरका परस्तों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वो अदलो इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले खानदानों को बेखौफ होकर तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं।
हकीकत में माइनॉरिटी का बहुत बड़ा मसला है, जिसमें हमें हिंदू माइनॉरिटी को, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बहुत ग्रीवियंसेस हैं। इस हद तक ग्रीवियंसेस हैं कि हम सर पीटते रह जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम अगर अदालत में कोई केस लेके जाते हैं तो यकीन जानिएगा, चपरासी से लेकर, वकील से लेकर, दूसरे लोगों, देखने वालों से लेकर जज तक कन्वर्शन के पॉइंट के ऊपर मुस्कुरा रहे होते हैं। अगर कोई रो रहा होता है तो उस बच्ची की माँ, बाप और भाई रो रहे होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के दूरदराज दही इलाकों में रिहाइश पजीर अकलियती हिंदू फिरके के बेशतर खानदान मुसलसल हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन तश्वीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में अकलियती हिंदू ही नहीं बल्कि फिरका परस मुसलमानों ने अब सिख बिरादरी के खिलाफ भी जुल्म व ज्यादतियों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। ऐसा ही एक इंसानी अफसोस वाकया पाकिस्तान के सिंध सूबे के सखर शहर में सोशल मीडिया के जरिए मंजरियाम पर आया, जहां फिरका परस्तों के हुजूम ने गुरुद्वारे पर धावा बोलकर शबद कीर्तन बंद करवा दिया और गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती करके सिख फिरके के मजहबी अकीदे को ठेस पहुंचाने की घिनौनी साजिश की। दौराने कीर्तन, जब कीर्तन कर रहा था तो अचानक से लाउड स्पीकर कम हो गई, अफरा तफरी मच गई। बोला कि नीचे बंदे आ गए, भाई कीर्तन बंद करो। मैंने कहा भाई कीर्तन क्यों बंद करें, ये जबरदस्ती हमारा कीर्तन बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये गुरुद्वारा सखर का 100 साल पुराना है, 100 साल पुराना हम यहाँ पर बंदगी करते आ रहे हैं, हमारे बड़े पूर्वज यहाँ पर बंदगी करते आ रहे हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। और ये अगर हमें तकलीफ दे रहे हैं, ये कौन सा पाकिस्तान है? ये क्या माइनॉरिटीज वाला पाकिस्तान है जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है? जो कायदे आजम ने बोला था आप आजाद हो, आपके मंदिर आजाद हैं, आप आजादाना अपनी बंदगी कर सकते हो, आप आजादाना अपनी पूजा कर सकते हो, ये वो पाकिस्तान है? और हमारी एफ आई आर भी नहीं दर्ज कर रहे, ना वो मुजरिम गिरफ्तार कर रहे हैं जो अंदर आ रहे थे, बेरुमती कर रहे थे, गिरफ्तार हुए छोड़ दिए, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर रहे थे अंदर जाकर। ये तो बड़ी बात है सिख के लिए, बहुत बड़ी बात है। सिंध सूबे के सखर में फिरका परस्तों के हमले से रंजो गम में डूबे सिखों ने कहा कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में तो कारोबारी शोबे से वावस्ता सिखों को आए रोज टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान और दाइश यानी आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द तंजीमों को हासिल रियासती सरपरस्ती की वजह से अकलियती सिखों का जीना मुहाल हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो सिख कारोबारियों से भत्ते के तौर पर लाखों करोड़ रुपए मांग रहे हैं और इतनी बड़ी रकम ना दे पाने पर उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। इसी भत्ताखोरी के चलते इससे पहले पेशावर में ही किराना स्टोर के मालिक से कारोबारी दयाल सिंह समेत दर्जनों सिख ताजिरों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन किसी भी कत्ल की कोई तहकीकात नहीं की गई और ना ही किसी टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया। यही वजह है कि पेशावर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब अकलियती हिंदुओं की तरह सिख लड़कियों को भी अगवा बराए निकाह के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के दर्जनों वाकयात मंजरेआम पर आ चुके हैं। लेकिन पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन वाकयात की पाकिस्तान में एफआईआर तक दर्ज न होने पर मुतासिरा खानदानों समेत पूरी सिख बिरादरी इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगाती रही। अब बात पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई को लेकर गरीब आवाम में बढ़ती बेइत्मीनानी की। तश्वीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को लेकर सिर्फ बेरोजगार खानदानों ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों के मुलाजमीन तक के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये सच्चाई पाकिस्तान में तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन की यूनियंस की जानिब से मुल्कगीर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के खिलाफ हाथों में बड़े बड़े बैनर्स और दिलों में गमो गुस्से का तूफान।
इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां पाकिस्तान के चारों सूबों के हर खासोआम शहर में अब रोज का मामूल बन चुकी हैं। तश्वीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके की ऐशो अय्याशियों के खिलाफ सड़कों पर सरापा एहतजाज कोई आम गरीब शहरी नहीं, बल्कि सरकारी और निजी इदारों में जेरे मुलाजिमत मुलाजमीन व मजदूर यूनियंस के ओहदेदारान हैं। एहतजाजी मुजाहरीन ने कहा कि पाकिस्तान में बरसरे इख्तदार फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत IMF समेत दीगर बैरूनी मुल्कों से कर्जे तो ले रही है, लेकिन तमाम बैरूनी कर्ज को अपने ऐशो आराम पर ही खर्च कर रही है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो सेनेटर्स हैं, उनकी मराहत में जब करोड़ों अरबों रुपए का इजाफा किया जाता है, उस वक्त बुरहान इनको क्यों नहीं नजर आता? कश्मीर के पार्लियामेंट के मेंबरान की तनख्वाहों में और मराहत में जब इजाफा किया जाता है, उस वक्त किसी के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि इस मुल्क की मईशत बुरहान में है? कहानी सुनाई जाती है कि मुल्क बाशी बुरहान में है। बाशी बुरहान क्या सिर्फ हम मेहनत कशों के लिए है? क्या हम गरीबों के लिए है? ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और रैड वर्कर्स फ्रंट के मुश्तरका बैनर तले पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। इन एहतजाजी मुजाहरों के तहत लाहौर में नासिर बाग से सिविल सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली गई और बाद में लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। इस एहतजाजी धरने में पाकिस्तान के चारों सूबों की टीचर्स एसोसिएशंस के अलावा दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन और उनकी यूनियंस के ओहदेदारान ने भारी तादाद में हिस्सा लिया, लेकिन तानाशाही व रियासती जुल्म जबर की तमाम हदें पार करते हुए लाहौर में पुरअमन तरीके से एहतजाजी धरने पर बैठे मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। नतीजतन दर्जनों टीचर्स व सरकारी मुलाजमीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए तो पुलिस और नीम फौजी एहलकार उन्हें जबरन गिरफ्तार करके ले गए। ये कमरात इस सवाल के दौर में सिर्फ अपनी अय्याशी जारी रखना चाहते हैं, वो तमाम मेहनत कशों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करेंगे। वो हमें किसी भी किस्म की सहूलियात देने के बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर हमने सहूलियात लेनी है, अगर हमने अपना हक लेना है, उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है जदोजहद। और वो जदोजहद मुश्तरका जदोजहद, किसी एक इदारे के मुलाजमीन अकेले इस हुकूमत के साथ लड़के कोई भी शायद बड़ी फतह हासिल नहीं कर सकते। एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और रैड वर्कर्स फ्रंट के ओहदेदारों ने पार्लियामेंट व सूबाई असेंबलियों में रवा माली बरस 2023-24 के लिए हाल ही में मंजूर किए गए सालाना बजट का हवाला दिया और इन बजट में सरकारी टीचर्स व दीगर महकमों के मुलाजमीन के साथ हुई नाइंसाफियों पर खामोश तमाशाई बनी रही पार्लियामानी जमातों के अराकीन को जमकर आड़े हाथों लिया। के आज आप लोग हड़ताल में हैं, जहाँ पे उन सारी सियासी पार्टियों के कारकुनान आप आके आपके साथ यकजहती करते हैं, जो पार्टियां पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। मैं आपकी तरफ से उन कारकुनान और उनकी कायदीन से ये सवाल करता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर जब वो बैठे हुए हैं तो उनकी मौजूदगी में किस तरह से वजीर आजम ने ये फैसला किया? उन्होंने वहां पे एजाज क्यों नहीं किया? उन्होंने उस पार्लियामेंट को दरवाजा बंद करके उसको ताला क्यों नहीं लगाया कि जब हमारे असाध्य का जो तस्लीम शुदा मुतालबा है वो ये हुकूमत पूरी नहीं कर सकती, तो आप उनके साथ उस पार्लियामेंट पे क्यों बैठे हुए? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्लियामेंट पे बैठी हुई पार्टियां, इनमें से कोई भी मुलाजमीन का आम आवाम का हमदर्द नहीं है। सिर्फ आप लोग एजाज में नहीं है। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने कहा
कि मईशत में बेहतरी और गरीब आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के वायदे करके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट करके कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत को मुसल्लत किया। लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत में एक दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों की मखलूत हुकूमत सवा डेढ़ बरस के अरसे में अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर सकी। अलबत्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से कर्ज की डील के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार को दाव पर लगाकर गरीब खानदानों को दरपेश मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मसलन पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नए नए टैक्स आयात किए जाने की वजह से सन्नतों कारोबार पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में होशरुबा इजाफा हो चुका है। हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची समेत दीगर बड़े शहरों तक में यौमिया दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों तक को मजदूरी न मिल पाने की वजह से दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी कायद आजम के शहर कराची की बदहाली को लेकर मकामी बाशिंदों में गुस्से की लहर, लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के दुरबा शहर में नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की जानिब से बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। दुरबत में एहतजाजी रैली नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के शहीद लीडर मौला बख्श दस्ती और काजी गुलाम रसूल की याद में मुनाकिद की गई। इस एहतजाजी रैली में नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के दुरबत, होशाब और केज जिले के सियासी कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इनमें ख्वातीन कारकुनों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। इस रैली में कारकुनों से खिताब करते हुए नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के सरबराह और बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच समेत दीगर लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत ने बलोच कौम को बंगाली मुसलमानों की तरह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आए आतिश सदकी के हादसे में एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में कई बच्चे और खवातीन भी शामिल बताए गए। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बताया कि आतिश सदकी का ये हादसा लाहौर के अंदरूनी इलाके भाटी गेट में वाकई बिल्डिंग में पेश आया। इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई और ये हादसा बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पेश आया, लेकिन फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। लिहाजा घबराहट में बिल्डिंग में रिहायश पजीर खानदानों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे और बाद में हर तरफ आग फैलने से वो बाहर नहीं निकल सके। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा की जानिब से अपने देरीना मुतालबात को लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, लेकिन सिंध प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले कराची में सराप एहतजाज सरकारी असातिज़ा वो दीगर मुलाजमीन की मांगें पूरी करने की बजाय उन्हें रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। कराची में पुलिस ही नहीं बल्कि नीम फौजी रेंजर अहलकारों ने प्राइमरी स्कूल की ख्वातीन टीचर्स के खिलाफ जमकर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी मुलाजिमत को मुस्तहकम करने और दीगर सूबों की तरह महाना तनख्वाहों में इजाफे की मांग कर रहे सिंध प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अहदेदारों समेत दर्जनों एहतजाजी असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिन तालिबान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की, लेकिन अब वही तालिबान दहशतगर्द मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तानी फौज समेत दीगर हिफाजती इदारों के अहलकारों को आए रोज टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के जोब इलाके में आर्मी कैंट पर किए गए खुदकुश हमले से सामने आई।
इस हमले के नतीजे में पाकिस्तानी फौज के 4 जवान जाबहक और 5 जख्मी होने की तस्दीक की गई। इसी तरह दूसरा बम धमाका पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मोबाइल वैन को निशाना बनाकर किया गया और मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद के जरिए किए गए इस बम धमाके में CTD के 3 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्हा के और सबसे बड़े तिजारती शहर कराची का और जायजा लेते हैं कराची में साफ सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात के तई हुकूमत की मुसलसल अनदेखी को लेकर मकामी बाशिंदों में गम गुस्से की लहर का। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए कराची की सिविल सोसाइटी ने कई मरतबा एहतजाजी मुजाहरे तक किए, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली इक्तसादी राजधानी कराची में हुकूमत साफ सफाई के मौसर इंतजाम करने में अभी तक नाकाम ही रही है। यह है पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची। 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कराची से पाकिस्तान के कौमी खजाने को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। ताहम पोर्ट सिटी कराची के बाशिंदों को बुनियादी सहूलियात तक मयसर नहीं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की सियासी रसाकशी और लापरवाह रवैये की वजह से सबसे बड़ा तजारती शहर कराची हमेशा से बदहाली का शिकार रहा है। कराची में साफ सफाई तक के मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से उन्हें जगह जगह गंदगी व कूड़े कचरे के ढेरों का सामना करना पड़ रहा है। आई स्वेयर मेरे सर में दर्द हो गया, यहाँ लोगों तमीज नहीं है, इतना कचरा इन लोगों ने फेंका हुआ है। अपने मुल्क को हम खुद साफ नहीं करेंगे तो क्या कोई और आके करेगा? आप यही बाहर मुल्कों में देख लें, सारी सड़कें साफ होती हैं और यहाँ देखें तोड़ फोड़ कचरा कीचड़ सब बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें कि सांस लेना प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। पता नहीं अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करेंगे कि भाई कम अज़ कम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना तो आप कम अज़ कम ये क्लीनिंग कर लें, और कुछ नहीं करना, बेरोज़गारी को ख़त्म नहीं करना, कुछ ना करें, लेकिन कम अज़ कम ये कचरा कुंडी ये वो इसको तो साफ कर दें। जगह जगह गंदगी और कचरों के ढेर, उबलते नाले और माहौलियाती आलूदगी के सबब मौलिक बीमारियों के बढ़ते खतरात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची की पहचान बन चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने अपने जेरे कंट्रोल NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची में साफ सफाई का टास्क देने का दिखावा तक किया। ताहम कराची के बाशिंदों को गंदगी और माहौलियाती आलूदगी से निजात नहीं मिल सकी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो बलदियाती इदारों ZMCs और KMCs और वाटर बोर्ड के पास जो स्वीपर थे, कुंडी मैन थे, जो दीगर अमला था और मशीनरी थी, वो एक अरसे से नाकारा पड़े हुए थे, उनको कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बहरहाल अपने तय कोशिश की उन वसाइल को मुश्तमा करने के बाद जो है उन्होंने काम ये किया कि चूँकि उनको तो मैन पावर रिक्वायर थी, और हमारे यहाँ सूरत ये हो गई है कि गुज़िश्ता कई बरस से ना तो KMC में, ना ZMC में, ना टाउन्स में कोई नए अपॉइंटमेंट्स नहीं किए गए थे। जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, कुछ लोग तो दस्तूरी पर जो ना काम करते हुए जो ना अपनी कारकर्दगी जो ना सही पेश नहीं कर पा रहे थे। मजीद उनका ये हाल था कि जो लोग रिटायर हो रहे थे उनकी जगह नए लोग नहीं आ पा रहे थे। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का शहर कराची कभी रोशनियों के शहर के तौर पर मकबूल रहा, मगर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शहर कराची कचराची के तौर पर बदनाम हो चुका है। पूरे शहर में गंदगी और बदबू की भरमार ने कराची के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ रिवायती दावे और झूठे वायदे ही किए जा रहे हैं। देखें क्या हशर हो रहा है, कूड़ेदान का, गाड़ी निकलने को बिल्कुल जगह नहीं है, बच्चे खेल नहीं सकते यहाँ पर, बिल्कुल बदबू ताफून, जिनके बराबर बराबर घर है कितनी बदबू ताफून फैल रहा है।
कुछ भी हुकूमत तो नहीं कर रही, अल्लाह माफ करे, सबको परेशान करके रखा हुआ है। आधी उधर से सड़क बना दी है, आधी देखें आप कि मनोटनों का पानी बदबू ताफून है कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। कहाँ तक स्प्रे करे बंदा भाई, लग गए तो 10-12 डंपर उठ गए, नहीं उठे तो 2 साल कोई पूछने भी नहीं आया। कचरे पे कचरा डलता रहा, कीड़े पड़ जाते हैं। हमारे भी इलाके के बच्चे हैं, छोटे लेडीज हैं, उनकी गुजरगाहें हैं, सब बर्बाद हो जाती हैं भाई। हुकुमरान तबके के फरेबी वायदों और झूठे दावों की असलियत से कराची के बाशिंदे बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। उनका कहना है कि कराची में कूड़े कचरे के ढेर, गंदगी और माहौलियाती आलूदगी पर आंसू बहाना उनकी किस्मत बन चुकी है। कराची के बाशिंदों का कहना है कि कूड़े कचरे से निजात दिलाने और साफ सफाई की मुहिम के नाम पर उन्हें कई बार लूटा जाता रहा। इसके लिए कराची के ताजिरों और कारोबारियों से बहाना चंदा तक वसूल किया जाता रहा और कराची में साफ सफाई का ठेका चीन की निजी कंपनी को देने की आड़ में रिहायशी बस्तियों तक से 400 रुपए महाना फीस तलब की जाती रही, लेकिन नतीजा हर बार सिफर ही रहा। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।